जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार के फरेब के आरोप लगे हैं महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी जो पक्ष है उसको साफ करना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि वैभव गहलोत जी ने इसका स्पष्टीकरण दिया है खुद ही, और इसके अलावा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन वैभव मेरे साथ मेरी कमेटी में महासचिव थे 5 साल तक, और जब मैं अध्यक्ष था तो सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की बनी, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे उस समय वैभव गहलोत जी ने दावेदारी करी जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की। उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो बहुत ज्यादा इस फेवर में नहीं था कि क्योंकि वैभव मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं तो उनको चुनाव में उतारा जाए, लेकिन मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस समय मुझे लगा कि मुझे उसकी पैरवी करनी चाहिए, और आलाकमान जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा इस पक्ष में नहीं थे कि सिंगल नाम आया है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी करी और मैंने दोनों राहुल जी सोनिया जी को कहा, मेरे कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूं एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदारी उन्होंने करी थी लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री अशोक जी बने थे तो उनके मनोबल को ठेस लगे, ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने पूरी पैरवी करी और सीसी के अंदर मैंने दोनों से राहुल जी और सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए, वो चुनाव लड़े, हम चुनाव नहीं जीत सके, काफी मार्जिन से चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में भी टिकट दिया था कमलनाथ जी के बेटे को, वो चुनाव जीत गए थे, एक ही सीट जीते शायद हम लोगों ने वहां पर, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो सही बहुत है, और वो उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण देना दे चुके हैं, अब इसका पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग करना चाहिए अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया इस बात की बात।